हम मनुष्य के पुत्र अधीन जीने के लिए अगर नहीं तैयार हैं, तो हम परमेश्वर के अधीन भी नहीं जिएंगे। ये आपका नकलीपन है। जितने लोगों ने कहा हम मनुष्य के अधीन नहीं, मनुष्य के अधीन नहीं जियो, पर उस व्यक्ति के अधीन जीना ही पड़ेगा जो हड्डी और मांस में अब उतरा है। हड्डी और मांस में है आज, और आज वेदी की जिम्मेदारी निभा रहा है। अगर आप हड्डी और मांस के अधीन नहीं जिएंगे, वही हाल होगा जो मूसा के जमाने में हुआ था। कोई भी व्यक्ति उस दूध और मधु की धाराएं बहने वाले देश में नहीं जा सका। कारण यह था, उन्होंने भी हड्डी और मांस वाले एक अगुवे का अपमान किया। बाइबल पढ़ने वाले बेटे बेटियों, समझ लो, आज जिसने कहा कि मैं परमेश्वर के रूल को नहीं मानता, परमेश्वर का रूल मनुष्यों में पूरा होता है, उसको यह नहीं पता। मनुष्य परमेश्वर अपना रूल अपने में नहीं पूरा करता, मनुष्य परमेश्वर अपना रूल मनुष्यों में पूरा करता है। और इसलिए मनुष्य के लिए, मनुष्य के जैसा हड्डी और मांस में एक वफादार विश्वास योग्य यिर्मयाह कहता है, मैं तेरे लिए अगुआ ठहराऊंगा। जो मेरी भेड़ों को चराएगा मेरे मन की इच्छा के अनुसार, ऐसा परमेश्वर कहता है। हालेलुया।